हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। अभी लेक्चर 1 में बहुत सारा मुझे प्रैक्टिस कराना था, सो मैं 20 क्वेश्चन तक मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग और आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। सो ढेर सारा क्वेश्चन आता है तो मैं पैकेज लेता हूँ। जो बुक इक्विलिब्रियम का बुक आपके पास दिया हुआ है, ये बुक उससे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेक्चर 1। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो अगर इक्वेशन लिखा हुआ जेनन जेनन हेक्साफ्लोराइड F6 एंड वाटर, एंड K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपका इसका, और XeOF4 प्लस 2HF गैस फेज में है, सारा गैस फेज में पेपर में लिखा हुआ, और XeO4 एंड XeF6। नाउ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 गिवन XeOF4 प्लस XeO3F2। पेपर में दिया हुआ है, दो रिएक्शन आपको पेपर में लिखा हुआ है, K1 K2 आपको दिया हुआ है, एंड देन इसके लिए आपको चाहिए XeO4 प्लस 2HF XeO3F2 प्लस वाटर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, लेक्चर 1 का ही ये पार्ट है। और ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन भी आप उसके हेल्प से भी बना सकते हैं। सो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बट हमें प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। K1 बाई K2 का स्क्वायर, K1 इंटू K2, K1 बाई K2, या फिर K2 बाई K1। सो आप कंप्लीट करिए, आप इसको फाइनल करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे बड़ा वाला 3-3 स्टेप्स भी पढ़े हुए थे, 3 स्टेप्स से जैसे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया भी हमें पढ़ना था, तो वो हम लोग कॉपी में पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट इसको आप चेक करिए, चेक करके कौन सा बेस्ट रिजल्ट है वो चेक करिए अपना। सो रिएक्टेंट इस साइड आप देखिए कि यहाँ पे XeO4 तो ये है ही आपका, और मुझे ये प्रोडक्ट साइड भी ये भी है, ये चीजें हमें कैंसिल करना है, हम लोगों को ये XeF6 कैंसिल करना है। सो सिंपल, आप दोनों रिएक्शन तीनों को आप रिलेट करें तो रिलेट करने में हमें इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि XeO4 हमें चाहिए। इस वाले रिएक्शन को क्या करिएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको आप पूरा ऐसे रिवर्स करिए। तो जब आप रिवर्स करते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि जब आप रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आएगा। तो इस फर्स्ट वाले रिएक्शन को ना आप वो तो देख करके पता चल जाता है, क्योंकि XeO4 ये मुझे चाहिए, ये तो लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड चाहिए, मुझे ये चीजें ये नहीं चाहिए, इसको कट करना था, ये कट करना था भी पॉसिबल है जब इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो ये रिवर्स इधर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो पता चल जाता है, रिएक्शन देख के पता चल जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको फर्स्ट वाले रिएक्शन को ना आप रिवर्स कर लें, जैसे रिवर्स लिखेंगे XE और O और F4 लिखते हैं प्लस 2HF लिखते हैं, और ये जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे ऐसे आप उल्टा कर लें, इस तरह आपका हो गया FeF6 एंड वाटर। जब आप रिएक्शन को रिवर्स, ये रिएक्शन जब रिवर्स करेंगे तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई K1 हुआ। वैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, XeO4 छोड़ दीजिए प्लस XeF6 छोड़ दीजिए इसको, और ये इसको K2 रहने दीजिए, ये है K2, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको कोई चेंज नहीं करना है, और XE और O और यहाँ पे आपका F6 प्लस XeO3F2 ये। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन ऐड करना, ऐड इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, आप लिख लें कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, और जब आप 1 और प्लस 2
वन प्लस टू जैसे ही ये इक्वेशन ऐड करेंगे, तो ऐड करने में देखिए जब आप इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में ये टर्म, ये एक्स सी एफ फोर और ये एक्स सी ओ एफ फोर, सो एक्स सी ओ एफ फोर, प्लीज मिस्टेक हुआ मुझसे लिखने में, यहाँ पे एक्स सी ओ एफ फोर है, तो प्लीज यहाँ पे करेक्शन था, एक्स सी ओ एफ फोर है, तो ये एक्स सी ओ एफ फोर और एक्स सी ओ एफ फोर ये कैंसिल हो गया, एक्स सी एफ सिक्स जेनन हेक्साफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड ये कैंसिल हो गया, और फाइनल आप रिएक्शन को फाइनल जोड़ेंगे तो आपका आ गया एक्स ई ओ फोर प्लस टू एच एफ ऐसे, और ये यही रिएक्शन तो हमें चाहिए था, यही पूछा जा रहा था, और यहाँ आप जोड़ेंगे तो एक्स ई और ओ थ्री एफ टू और प्लस वाटर, आप चेक कर लीजिए, ये हमें चाहिए था रिएक्शन, यही तो रिएक्शन है, यही चाहिए था आपको, और साइंस का रूल हम लोग पढ़े हुए थे कि जब रिएक्शन एडिशन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो चाहिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब वन बाई के वन, वन बाई के वन और इंटू इंटू द के टू हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो गया के टू बाई के वन, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के टू बाई के वन ये आंसर डी, डी आंसर आ रहा है आपका, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो काफ़ी आता है ऐसे क्वेश्चन की इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन भी रहता है जो मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन, आईटी मेन का भी कई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन इक्वेशंस के हेल्प से आप थर्ड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, जिसके लिए मैं पूरा रूल आपको बता दिया था ए बी करके, ऐसे मैं 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुका हूँ, 21 अभी और 5-6 जो भी बेस्ट होगा लेक्चर वन में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो पैकेज से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे पैकेज में है जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, सो आप लेक्चर वन आप बना सकते हैं, लेक्चर वन मैंने काफ़ी इसमें बना दिया है, सो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सर्टेन रिएक्शन द टू स्टेप्स और सर्टेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स लिखा हुआ है रिएक्शन, इन टू स्टेप्स ऐसे लिखा हुआ, विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ स्लो स्टेप, K1 K1 लिखा हुआ 10 to the power -2, ये लिखा हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्लो स्टेप, फॉर स्लो स्टेप दिया हुआ पेपर में, K2 है लिखा हुआ 10 to the power 2 और यहां लिखा हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, फॉर फर्स्ट स्टेप ये पेपर में दिया हुआ है, ये गिवन है आपका फर्स्ट स्टेप, देन हम लोग से पूछा जा रहा है, ये स्टेटमेंट है इक्वेशन ही लिखा हुआ है, नाउ देन पूछा जा रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन, सो पूछा जा रहा है कि नाउ हमें चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, के चाहिए, के हम लोग को निकालना है, के निकालने के लिए पूछा जा रहा है, वही चीज है बस स्टेटमेंट में लिखा हुआ, कई स्टूडेंट पूछते हैं क्लास में कि ये इसका मीनिंग क्या है, तो मैं ऑप्शन लिखते रहूं फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, सो ऑप्शन में लिखा हुआ है यहां पे 10 to the power 2, 10 to the power -2, 10 to the power 4 और यहां लिखा हुआ 1, ये चार ऑप्शन लिखा हुआ और किसी एक करेक्ट ऑप्शन है इसमें से, सो ये स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन है स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप और हमें ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए,
देखिए ये आपको खुद इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि रिएक्शन प्रोसीड इन अ टू स्टेप्स में चल रहा है। सो आप देखिए यहाँ से मान लिया आपका लेट रिएक्शन है, रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, मान लिया आपका रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको चाहिए, ये निकालना है। ये अपने मन से रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड अ प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक रिएक्शन आपका पेपर में लिखा हुआ कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ टू स्टेप पे। मान लिया कि पहला स्टेप ये है कि स्टेप वन रिएक्टेंट जो है वो गया, रिएक्टेंट गया यहाँ पे एक एम, मान लीजिए एम इज इंटरमीडिएट, ये है स्टेप वन, ये स्टेप जो है वो वन है, ये स्टेप मान लीजिए कि हम, ये अपने मन से मैं ले रहा हूँ कि ये पेपर के जो है उसके अकॉर्डिंग स्लो स्टेप है और 10^-3 है, ये स्टेप वन सॉरी माइनस टू हुआ, ये स्टेप वन हुआ। एम एम लोग बोलते हैं एम क्या लिया है आपने, तो एम एम इज एनीथिंग इंटरमीडिएट, वो तो कट जाएगा भाई, एम तो मैंने अपने मन से एम, क्योंकि ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है और टू स्टेप में बीच में यहाँ इंटरमीडिएट बना, एम इज इंटरमीडिएट, ये अपने मन से मैंने माना है ना, एम एन कुछ भी अपने मन से आप ले सकते हैं। अगेन फिर से आप सोचिए कि नाउ फिर आपको क्वेश्चन बोलना है कि अगेन दूसरा स्टेप फॉलो करना है और इंटरमीडिएट फिर से ब्रेक करेगा और ये फाइनल पी पी फोर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में जा रहा है, ये है आपको रिएक्शन का स्टेप है टू, ये स्टेप टू हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10^2 लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस दिया हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ, ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो ये अपने से मानना है, अपने से लेट एनी रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अपने से रिएक्शन लीजिए, स्लो स्टेप लिखिए, बीच में इंटरमीडिएट बनाइए, फिर इंटरमीडिएट फाइनली पी पी जहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आ गया, ये टू स्टेप्स का रिएक्शन हो गया। अब देखिए अब ओवरऑल जो क्या करना है कि इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन प्लस टू, अगर मैं टू रिएक्शन ऐड कर रहा हूं तो देखिए एम और एम बीच में कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास रिएक्टेंट और इस साइड राइट साइड प्रोडक्ट, ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन हो गया, फाइनली मेरा ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ। और इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साइंस का जो रूल है कि अगर रिएक्शन ऐड होगा तो इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई करना मीन्स कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालना है K1 into the K2, अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^-2 मल्टीप्लाई 10^2 ये कैंसिल आउट हो गया और फाइनली 1 आ गया। सो आपका आंसर जो है वो है आंसर डी, लास्ट वाला आंसर। तो काफी आसान सा, कई बार क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में रहता है, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा पूरा क्वेश्चन में, तो आपको रीडिंग खुद करना है, खुद स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर करके आपको जस्ट बनाना है कि फाइनल ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। सो हम लोग जो पढ़े हुए थे वही कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है आपका। इसमें क्वेश्चन पैकेज में ही ये डाइबेसिक एसिड के लिए भी लिखा हुआ है, जैसे आप मैं अगर थर्ड क्वेश्चन 23 में अगर मैं H2S के बारे में बात करूं, H2S आप जानते हैं कि ये एक वीक है और वीक और डाई बेसिक, वीक डाई बेसिक एसिड है, मतलब इसमें मैंने बताया था कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 होता है बट काफी वीक है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है और काफी बट वीक, ये एक वीक एसिड है, ऐसा ये हम लोग डिस्कस किए थे। और ये टू पार्ट में ब्रेक करेगा, अगर फर्स्ट पार्ट जैसे H2S है फर्स्ट पार्ट ब्रेक किया सो ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं K1 और ये यहाँ से निकलेगा H+ और नेक्स्ट यहाँ बन गया HS-, ऐसे ये फर्स्ट पार्ट हो, सेकेंड डिसोसिएशन करिएगा तो HS- फर्दर ये डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट कर करके ये बन जाएगा K2 और यहाँ बन गया H+ और यहाँ पे साथ में बन जाएगा SS2- नीचे इस टाइप का हो गया। सो ये टू पार्ट्स में ब्रेक करता है और ओवरऑल अगर हम लोग बातें करेंगे, हम इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन हुआ, ये इक्वेशन नंबर टू हुआ, अब आप अगर वन एंड टू को ऐड कर दें तो जैसे वन और टू ऐड करिएगा, वन एंड टू ऐड करते हैं ये H2S इंटरमीडिएट कैंसिल आउट हुआ ये और H2S डिसोसिएट किया, डिसोसिएट कर करके यहाँ आ गया 2H+
प्लस यहां सल्फाइड माइनस। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हुए हैं और यहां भी क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन है कि ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो रिजल्ट सामने है, पहले भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब कोई रिएक्शन ऐड होता है, ऐड करेंगे ये कट जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कट जाएगा, ऐड करने पे ये रिएक्शन मिलेगा। जब रिएक्शन एडिशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा, मतलब आंसर आपको लिखना है K1 into the K2 ऐसा। सो ट्राइबेसिक में आप पढ़ सकते हैं, ट्राइबेसिक के लिए भी कर सकते हैं, वही चीजें हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी लिख सकते हैं। तो K1 into the K2, रिएक्शन ऐड हो रहा है, रिएक्शन ऐड होगा बट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई करता है, वो रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो आप 23, 24 में एक ट्राइबेसिक का भी ले लीजिए, क्योंकि है पैकेज में सब ट्राइबेसिक, ड्राइबेसिक बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो मैंने आपको बताया था बहुत सारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन का। सो ट्राइबेसिक एक ले लीजिए, ट्राइबेसिक में आपका 24 कर लीजिए, 24 जस्ट लाइक आप ले लीजिए H3PO4, H3PO4 कई बार आप पढ़े हुए हैं, ये है वीक, वीक है और ये है ट्राई, ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड, ये इसको आप फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आप बॉन्डिंग में आप पढ़े हुए हैं, आप इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया और ओ हुआ, एच हुआ और ओ एंड एच, ये देखिए ये बॉन्डिंग फिगर हो गया आपका, ये फिगर भी आप बना सकते हैं, इसमें आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, चेक कर सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, वो हाइड्रोजन जो अटैच है ऑक्सीजन से वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बट ये तीनों के तीनों वीक है, काफ़ी वीक होता है, वीक एसिड होता है, इसके नेम पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, ये प्लस फाइव है, प्लस फाइव के चलते इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हाई ऑक्सीडेशन नंबर एक, या फिर इसका नाम एक ऑर्थोफॉस्फोरिक भी आता है, दोनों नाम लिख सकते हैं, और फॉस्फोरिक भी लिख सकते हैं या इसका नेम ऑर्थो भी लगा सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लिखता है लोग। सो बुक में दोनों नेम है, दोनों नेम आपको बुक में आपका मेंशन किया हुआ है कि फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है, काफ़ी वीक एसिड माना जाता है, और वो ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिड थ्री एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ट्राइबेसिक है, ये तीन बार डिसोसिएट करेगा, थ्री टाइम्स, जैसे ये था डाइबेसिक, दो बार डिसोसिएट किया, तीन बार डिसोसिएट करेगा, और ओवरऑल का भी पूछता है, इसमें भी पूछा हुआ है, पैकेज में है, लेक्चर वन में, ओवरऑल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, वो आपने सेल्फ बनाया ना, सेल्फ आप अपने से बना सकते हैं, ये सेल्फ आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आप देखिए तो थ्री टाइम्स कैसे ब्रेक करेगा, फर्स्ट स्टेप H3PO4 डिसोसिएट कर गया ऐसे, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ये कर लीजिए K1, नेक्स्ट H2PO4 माइनस, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 वो हो गया H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, अगेन HPO4 2 माइनस, अब हो गया यहाँ पे K3, सो H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये है आपका, ये थ्री स्टेप्स में ब्रेक कर रहा है। आपको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन करना है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आप जब ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 जब आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके देखिए, तीनों को ऐड करिएगा तो देखिए इंटरमीडिएट कैंसिल आउट हुआ, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, कैंसिल, ये इंटरमीडिएट हुआ, ये इंटरमीडिएट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल हुआ। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास हो गया H3PO4, वो डिसोसिएट कर जाएगा ऐसे, डिसोसिएट किया, डिसोसिएट करके यहाँ हो गया 3H+, आप छोड़िए 1, 2, 3, 3H+, अब प्लस PO4, PO4 3 माइनस,
अब इस ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है, हाई पैकेज में पूछता है कि ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको समझाया था कि जब रिएक्शन ऐड 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 तीनों ऐड होगा तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना है K1 into K2 into the K3। ये डिसोसिएशन एसिड है तो आप कई लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड पूछते हैं, तो आप A4 एसिड है तो आप ऐसे आंसर प्रेजेंट करिएगा। तो ये रहा आपका आंसर, इस तरह से हमें आंसर प्रेजेंट करना था। तो इस तरह हमें डाइबेसिक विक डाइबेसिक ये इनको डिस्कस करना था। पैकेज में है सर ढेर सारे क्वेश्चन, आप लेक्चर वन आप बना सकते हैं। अभी मैं और प्रैक्टिस करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा उस बुक में आपको। नेक्स्ट 25 नंबर कंटिन्यू करिए। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें सर्च करता हूँ जो डिफरेंट टाइप का हो क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन 25 नंबर लिखा हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन में काफी छोटा सा रिएक्शन है, 4 रिएक्शन। स्टेटमेंट है 4 रिएक्शन। सो रिएक्टेंट R4 रिएक्टेंट और यहां पे है आपका प्रोडक्ट, ऐसे लिखा हुआ 4 रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और के से यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। छोटा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इससे इससे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ वो मैं डिस्कस करूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखा हुआ 1 × 10⁻⁙, ऐसे द गिवन ये पेपर में दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन द कंटेनर कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑफ, यहां पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, यहां पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। छोटा सा एकदम छोटा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ऐसा है पैकेज में, इससे रेफरेंस या रेफरेंस लेंगे, इसी जैसा एक और क्वेश्चन है। सो एक रिएक्शन लिखा हुआ है, नाउ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, पेपर में दिया हुआ है। देन कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, कंटेनर मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, नाउ दिस कंटेनर कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। बस ये ऑप्शन आपको टिक करना था कि रिएक्टेंट रहेगा कि प्रोडक्ट। वो कितना आसान है देखिए, तो आपका आपका डाटा अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे पढ़ें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जानते हैं कि ये ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10⁻⁙, ये गिवन है 10⁻⁙, और यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ साफ दिख रहा है कि ये ऊपर ऊपर 10⁻⁙ है और नीचे में है 1, और यहाँ हुआ ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये। और इसको देख के क्लियर सा पता चल रहा है कि प्रोडक्ट इज अ वेरी हाई। अगर आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का मीनिंग ये वैल्यू है, रिएक्टेंट का मतलब 1 हुआ, और 1 के कंपेयर में 10⁻⁙ मच 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 हायर देन। इसको देख के साफ पता चल रहा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है मच हायर देन, मच मच लार्जर देन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि कंटेनर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये क्लियर था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डाटा देख करके। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डाटा लिखा हुआ है, वो पुट कर लीजिए, आप मीनिंग जानते हैं। मीनिंग में ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट 10⁻⁙ एंड रिएक्टेंट ओनली 1 वैल्यू, सो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ चुका है, उसमें प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा है। सो फाइनली कंटेनर कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, ये जो आपको बताना था मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, सो पूछा गया था क्या रहेगा कंटेनर में, तो आंसर में आप कर लीजिएगा प्रोडक्ट कंटेनर कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। और एक प्लान करेंगे, एक और क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, वो इससे भी अच्छा है। ये तो काफी आसान है आपका। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ 10⁻⁶ रहता है, अगर यहाँ -16 करते तो मेजर पार्ट होता है रिएक्टेंट हो जाता है,
क्योंकि ये बहुत कम हो जाता है, ये बहुत ज्यादा होता है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो डाटा लिखा रहेगा, उससे आपको रिलेट करना है कि कौन मेजर है कंटेनर में, कौन लार्ज अमाउंट में, ये चीजें सीखना था हम लोग को। नेक्स्ट 26। जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मार विच आर फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल वन, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पूछा जा रहा है फ्रॉम गिवन डाटा। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोस्ट स्टेबल। सो गिवन डाटा, पेपर में यहां पर क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ और डाटा से देख करके ये आपको रिलेट करना है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोस्ट स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट ही है, सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है, आया हुआ कोई एग्जाम का। सो आपको लिखा हुआ है 2NO2 और डाटा पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसमें डाटा मैं सब सारा जो डाटा लिखा हुआ है, 4 इक्वेशन मुझे देना है इसमें और यहाँ लिखा हुआ N2 + 2O2। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे 6.7 10^16 बी 2NO। N2 + O2 2.2 × 10^20 10^30 है, सॉरी 30 डाटा यहां लिखा हुआ। सो 2 मोल्स ऑफ N2O5 सो N2O2 2N2 5O2। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वो है 1.2 × 10^24 2N2O (2N2 + O2) (3.5 × 10^33) 33 सो ये क्वेश्चन था आपका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है और फ्रॉम द गिवन डाटा आपको बताना है कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट साइड लिखा हुआ, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज अ मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड। सो यहाँ आप क्लियर से देख रहे हैं कि देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब ऐसे मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये इधर आपको जा रहा है, इधर आपको प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पी फॉर प्रोडक्ट, राइट साइड प्रोडक्ट, इधर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमें प्लानिंग करना है कि विच नाइट्रोजन ऑक्साइड इज मोस्ट स्टेबल, हमें सोचना है कि मोस्ट स्टेबल। तो देखिए प्लान करिए, रिलेट करिए, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऊपर रहेगा और यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और थोड़ा सा प्लानिंग करिए, जो अभी आपने पढ़ा था वही प्लान आपको सीखना है। अब बताइए, अब रिलेट करिए, रिलेट करना है एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है, नया है क्वेश्चन, इसलिए लोग इसमें थोड़ा सा घबराते हैं, बट एकदम ही चीज है जो अभी आपने बनाया ना वही प्लानिंग है ही आपका। अगर आप बात कर रहे हैं इफ, अगर आपने प्लानिंग किया कि इफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को मोस्ट स्टेबल करना है, सोचिए कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड
को हमें प्लान करना है मोस्ट स्टेबल। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जो चीज़ें स्टेबल होता है, जो चीज़ साइंस में मोस्ट स्टेबल होता है वो मैक्सिमम अमाउंट पर रहेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है वो फेवरेबल उसी साइड डायरेक्शन जाना चाहेगा। जो मोस्ट स्टेबल है उस साइंस का रूल है कि इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल करना है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी द मोस्ट स्टेबल। अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मोस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट, ये इसका अमाउंट जो है वो मैक्सिमम है। और अगर ये मैक्सिमम अमाउंट में है, अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम रहेगा, अगर डिनोमिनेटर ये मैक्सिमम नीचे का डर मैक्सिमम होगा, देन के मस्ट बी मिनिमम, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट हैव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। बस हो गया, मेरा आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू। देखिए प्लान करना था बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, एक छोटा सा अच्छा सा प्लानिंग करना है आपको। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन जो बनाया था वही रेफरेंस है पैकेज में, बहुत सारे लोग ऑफिस पूछने के लिए आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया कितना आसान है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, आप एक जनरल रिएक्शन कर लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट साइड प्रोडक्ट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। और आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल रहे, तो मोस्ट स्टेबल जो भी चीज साइंस में होता है उसका अमाउंट मैक्सिमम होता है, लार्ज अमाउंट रहेगा, क्योंकि जहां स्टेबिलिटी रहेगा वहां परसेंटेज बढ़ेगा, आपको अमाउंट बढ़ेगा। सो मैक्सिमम अमाउंट है, और अगर मैक्सिमम अमाउंट है तो के का वैल्यू जो होगा मिनिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम है, के का वैल्यू मिनिमम। और जाके आप चेक करिए सब में पावर देख रहे हैं, सबसे कम ये है, और अगर सबसे कम ये है तो चारों ऑप्शन देख करके मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजन ऑक्साइड ए मिल जाएगा आपको। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम के हेल्प से ये सब आप बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा रहेगा। सो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं ऑफिस में, आगे पूछते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, और आप खुद अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 26 है, और मैं डिफरेंट है लेक्चर वन में मैं वो डिस्कस करता हूँ। अभी और भी चीज़ें बताना है, इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन बताना है, थोड़ा ग्राफ मैं डिस्कस करूंगा, कंडीशन बताऊंगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए। लेक्चर वन का मेजर पार्ट ये हो गया है, मेजर पार्ट जो लेक्चर वन का था वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का, लेक्चर वन में लास्ट में है क्वेश्चन, सो लिखा हुआ डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आप बना लेंगे उसमें। ग्लास बल्ब इज फिल्ड विथ एनोडो गैस एंड इमर्ज इन आइस बाथ एट जीरो। सो मैं स्टेटमेंट पर स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ आपको। सो ग्लास बल्ब, पहले लिखा हुआ है ग्लास बल्ब, एक बल्ब बना लीजिए, आपका जो चीज़ें लिखा रहता है स्टेटमेंट में हम लोग ट्राई करते हैं तुरंत उसका फिगर बना लेते हैं। तो ये आप बना लीजिए, एक ग्लास बल्ब ले लीजिए, तो ये ग्लास बल्ब बना लीजिए, फिल्ड विथ एनोडो गैस, सो फिल्ड विथ एनोडो गैस, इसमें एनोडो गैस भर लीजिए। सो इसमें आप एनोडो गैस, ये एनोडो गैस ऐसे पूरा भर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, ग्लास बल्ब को ऐसे क्लोज करना है, इसको बंद कर लीजिए, और इसमें भरना है एनोडो गैस। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि ग्लास बल्ब फिल्ड विथ एनोडो गैस, सो आप एनोडो गैस ऐसे भर लीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ एंड एन आइस बाथ एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बिकम द इट एंड इट फिल्ड विद एंड इमर्ज इन आइस बाथ एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको क्या करिए, अब इसको आप इसमें डाल दीजिए, पूरा जो कंटेनर है ग्लास बल्ब है, ये ग्लास बल्ब जो फिल्ड विद एनोडो गैस है उसको आप ऐसे पैक कर लीजिए, और इसको आइस बाथ में डाल दीजिए इसको। सो यहाँ पे आइस है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस, आइस जो है आइस के अंदर इसको डुबा दीजिए, पूरा आइस के अंदर इसको भरना है। तो क्वेश्चन ये बोला हुआ आपका, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, आगे मैं देखता हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। तो पूरा आइस के अंदर इसको डुबा देना है।
विच बिकम कलरलेस आफ्टर सम टाइम, द कलरलेस गैस विल बी द ओके। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ NO2 गैस का प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग रिलेट करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे VE, NO2 गैस का VE इज इक्वल टू वैलेंस। अगर आप NO2 गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, उसका ग्रुप नंबर हो गया 6। सो 5 और प्लस यहाँ है 12 और टोटल हो गया 17। जो आप जानते हैं 17 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के चलते NO2 गैस जो होता है एक ब्राउन कलर का, ये कलर्ड गैस है, ब्राउन कलर पारा मैग्नेटिक गैस होता है, साथ साथ एक पारा मैग्नेटिक, इसका प्रॉपर्टी होता है पारा मैग्नेटिक गैस है। जो हमें इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, बॉन्डिंग के अंदर पढ़ना है, MOT में भी जानना है कि ये एक ब्राउन कलर का, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ऑड नंबर आ गया, ये एक गैस है, पूरा गैस रहेगा और गैस पूरा ब्राउन कलर का गैस होता है। तो ये दिया नहीं है, बस क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ही मैं इसको इस कंटेनर में डाला, नाउ NO2 गैस को, ये जो बल्ब को आइस के अंदर डुबाया, सो क्वेश्चन में पूछा रहा है कि नाउ इट बिकम कलरलेस। अब यहाँ पहले तो मेरा यहाँ पे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो गैस है, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है वो है ब्राउन कलर का गैस है, ये पूरा ब्राउन कलर का गैस है, ये हम लोग जानते हैं अपने इनऑर्गेनिक से बॉन्डिंग के हेल्प से कि ये NO2 गैस ब्राउन कलर पारा मैग्नेटिक गैस ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बट पेपर में बोल रहे हैं, जैसे इसको मैं आइस के अंदर जाके रख दिया, तो रखते ही ये जो गैस हो गया, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाउ कलरलेस, ये गैस जो होगा वो कलरलेस गैस हो गया, वो गैस कौन है, वो पूछ रहा है कि कलरलेस गैस इन आइस में कलरलेस गैस हो गया, वो गैस का नाम चाहिए, वो गैस है कौन, वो कौन सा गैस है, ऑप्शन लिखा हुआ वो तुरंत बन जाएगा। ये हमें एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसको मुझे स्टेटमेंट में पहले लिखना था और फिर उसको रिलेट करना था। ऑप्शन पूछा जा रहा है कि वो कलरलेस गैस है कौन सा, NO2, N2O, N2O4 एंड देन N2O5, ये पूछा जा रहा है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि वो कलरलेस गैस है कौन सा आपका। तो भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम ही है आपका, और बहुत ज़्यादा इजी है कि यहाँ पे जो था वो गैस था और यहाँ पे अभी वो पूरा का पूरा कलरलेस हो गया, वो आप कलरलेस हो गया तो क्यों और कौन सा गैस है। तो सिंपल सा, जब आप किसी चीज़ को ठंडा करेंगे, जैसे ये गैस है, गैस को आप ठंडा करें, NO2 गैस है, NO2 गैस का प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर पारा मैग्नेटिक नाउ ब्राउन कलर का ये गैस है, बट इसको जैसे आइस पूरा चारों तरफ आइस लगा दीजिए, आइस लगाएगा तो ठंडा होगा, ठंडा होने का मतलब वो जैसे ही ठंडा होता है कंप्रेस करना, चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ठंडा होगा तो कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, डाइमेराइज कर जाता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में होता है क्या है कि जैसे 2 moles ऑफ NO2 हो गया, ये है इसका, अगर आप NO2 का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 एक ऑड नंबर है, ऑड के चलते ये एक ब्राउन कलर ऑड होने पे जस्ट कलर हो जाता है, ब्राउन कलर गैस है। और जैसे ही आइस में रखिएगा, तो आइस में रखते ही देखिए है इक्विलिब्रियम में, आइस में जैसे ही रखिएगा आइस 0°C, तो ये जस्ट आइस के अंदर जब ठंडा करिएगा तो पूरा इसके अंदर कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन मतलब डाइमेराइज करके ये बन जाएगा N2O4 बन जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चेक करिएगा तो 17 प्लस 17 और ये हो गया 34 एक इवन नंबर है, और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आएगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो हिंट था वो है एक्चुअली इक्विलिब्रियम का, बट इसमें हेल्प लेना है थोड़ा सा बॉन्डिंग, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक, कि जब ठंडा करते हैं तो कंप्रेशन होगा, पॉलीमराइज कर जाता है, डाइमराइज कर जाएगा, डाइमराइजेशन के चलते यहाँ देखिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑड की जगह इवन हो जाएगा और इवन होते ही कलरलेस हो गया। तो आपका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है N2O4।
सी आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है लेक्चर वन में, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है आपको, बट है पूरा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का, क्योंकि ये सारा इक्विलिब्रियम का ही रिएक्शन है कि ये जैसे ही आप ठंडा करिएगा वो कंप्रेस करके डायमराइज कर जाएगा, गर्म करिएगा वो इधर चला जाएगा। तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग का हेल्प लेना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर, इवन नंबर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर्ड, कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको, जो आगे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे हम लोग, या बॉन्डिंग पीटी में कई जगह इस चीजें पढ़ते रहते हैं। तो ये हुआ अभी, अभी और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अभी आपको। लेक्चर वन जो इक्विलिब्रियम है उसमें कुछ थ्योरी और बचा हुआ है। थ्योरी में जैसे हमें ग्राफिकल, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कुछ ग्राफ आपको लिखा हुआ है, देन एक्टिव मास क्या होता है वो मुझे डिस्कस करना था, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे वो मुझे डिस्कस करना था। सो अभी मैं एक्टिव मास, सो रिजल्ट फॉर लेक्चर वन, अभी मैं लेक्चर वन में ही हूँ। लेक्चर वन का जो कुछ रिजल्ट और थ्योरेटिकल पार्ट और बचा हुआ है, सो नेक्स्ट इज रिजल्ट फॉर लेक्चर वन। इससे मुझे बात करना था फर्स्ट द एक्टिव मास। इस टॉपिक में हमें बातें करते रहना होता है एक्टिव मास, न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब आता है टर्म की एक्टिव मास। एक्टिव मास जो होता है, सो नंबर वन इसमें छोटा छोटा प्लानिंग करिए। ए, ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, ए इज द एक्टिव मास, ये है एक्टिव मास, छोटा छोटा टॉपिक है एक्टिव मास। एक्टिव मास, सो ए जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास एक्चुअली ये मोलर कंसंट्रेशन ही है, मोलरिटी ही बोलते हैं एक्टिव मास, बट थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन होता है यहाँ पे सी और इनटू द एफ, सी इनटू एफ होता है। सो एक्टिव मास जो होता है वो सी, सी इज कॉल्ड द मोलर मोलर कंसंट्रेशन। इनटू एफ, एफ इज कॉल एक्टिविटी कोफिशिएंट, यहां पे एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। यह एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है, और एफ का वैल्यू नियरली वन कहलाता है। हम लोग जो सिलेबस आई टी का, मेडिकल, चाहे इलेवेंथ क्लास स्कूल का जो सिलेबस है उसमें एफ, एफ का वैल्यू जनरली वन लेते हैं, इसलिए हम लोग एक्टिव मास मोल कंसंट्रेशन नियरली सेम ही होता है। तो हमारे सिलेबस में, हम लोगों का सिलेबस है एफ, एफ इज अ वेरी क्लोज टू द वन, वन के क्लोज रहता है। तो इसलिए आप एक्टिव मास, हम लोग का जो सिलेबस है एक्टिव मास इज इक्वल टू सी, सो आप एक्टिव मास जो है एक्टिव मास सी, सी के बराबर लिख सकते हैं, एक्टिव मास सी लिख सकते हैं, या सी को ही हम लोग एम, एम बोलते हैं, एम, एम इज कॉल्ड मोलारिटी, जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी एक्टिव मास या मोलारिटी जो है, तो एक ही चीज़ है, एक्टिव मास कहिए या मोलर कंसंट्रेशन कहिए या मोलारिटी कहिए, तो एक ही चीज़, क्योंकि इस टॉपिक में हमें एक्टिव मास बार बार लिखना होता है एक्टिव मास, बट वो फाइनली आएगा भाई, मोलर कंसंट्रेशन कहिए या मोलारिटी कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। जस्ट हायर जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ एक एक्टिविटी कोफिशिएंट आता है, एफ का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को आईटी तक का जो लेवल है उसमें एफ, एफ का वैल्यू वन लेना है। सो इस तरह एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी एक ही चीज हो गया। कई जगह कई टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट से लेकर के आने की इक्विलिब्रियम नाउ सोल्यूशन टॉपिक होता है, कई जगह मोलरिटी आपको पढ़ना है। तो सेकेंड पॉइंट आप इसमें, आप सेकेंड पॉइंट ये एक्टिव मास के लिए आपको एक्टिव मास कहिए या मोलर कंसंट्रेशन कहिए या मोलरिटी कहिए, ये साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्टिव मास या मोलरिटी ये एन, एन बाई वी, एन बाई वी, एन, एन बाई वी, और बेटर फॉर्म में लिखेंगे जो मोलरिटी है ये एन, एन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ मोल, ये है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और नाउ यहाँ पे वी, वी वॉल्यूम इन लीटर, ये ध्यान रखना है, वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में, ये लीटर में आपको लेना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यह है एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। आप और चेंजेस कर सकते हैं, ये तो छोटा सा, बहुत छोटा रिजल्ट है जो मोल कॉन्सेप्ट से ही चला आ रहा है ये रिजल्ट। सो एक्टिव मास आपको करना है या आपका
मोलर कंसेंट्रेशन कहिए या मोलरिटी कहिए, सो इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हो गया वॉल्यूम, बट यहाँ ध्यान रखना है लीटर, एल फोर लीटर, ये लीटर में रहेगा, ये सब एक ही चीज़ है, आप ऐसे लिख सकते हैं तीनों एक ही टर्म है। यानी कि मैं सोलिबिलिटी भी पढ़ते थे, सोलिबिलिटी भी वही होता था नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा, अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में रहे तो आप ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर यूनिट चेंज करिएगा तो यहाँ ऊपर में 1000 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम मिलीलीटर रहेगा तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चेंजेस होगा एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन या आपका मोलरिटी नंबर ऑफ मोल, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। सो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, लीजिए हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपका ये है एक्टिव मास के लिए मोलर कंसेंट्रेशन या मोलरिटी, यहाँ पे वेट W4 वेट, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज अ वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये शुरू से मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं। सो W इज अ वेट ऑफ सोल्यूट, M0 इज अ मोलिकुलर वेट, एटम रहेगा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हो गया हम लोग वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला एक्टिव मास के लिए, और भी छोटे छोटे टर्म आपको एक्टिव मास क्या है तो एग्जैक्टली सेम मोलरिटी मोलर कंसेंट्रेशन एक ही चीज है, मोलरिटी मोलर कंसेंट्रेशन एक्टिव मास का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बट वॉल्यूम इन लीटर, अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल की जगह आप यूज करना है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यूज कर लीजिए। सो ये फॉर्मूला हुआ छोटा छोटा, मैं एक क्वेश्चन अप्लाई करके दिखा दूंगा एकदम सिंपल सा। फॉर अगर गैस रहा तो गैस के लिए भी पढ़ना है, गैस का जस्ट एक्टिव मास उसके लिए भी फॉर्मूला देखिए। फॉर गैसेस रिएक्टेंट, अगर आपका गैसेस रिएक्टेंट रहा तो गैस फेज में गैसेस रिएक्टेंट जो रहेगा, गैसेस रिएक्टेंट के लिए आप देखिए आप गैस लॉ आप यूज करिए, पीवी इज इक्वल टू एन आर और टी, आप ऐसे यूज कर लीजिए। आप क्या करिए, पी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ कर लीजिए इसको नीचे, इंटू आर और इंटू टी, आप आर डी को नीचे कर लीजिए, पी आर डिवाइड बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एन बाई वी, एन बाई वी, और यही तो चाहिए था, ये नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सो गैसेस रिएक्टेंट के लिए गैस अगर गैसेस फेज रहेगा तो उस केस में एक्टिव मास मोलर कंसेंट्रेशन सिंपल कंसेंट्रेशन वो जो एन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम हुआ था उसकी जगह आपको पी आर डिवाइड बाई आर टी भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया ऐसा कि गैसेस फेज में पी डिवाइड बाई आर टी हो गया, तो ये भी आपको फॉर्मूला जानना है। एक क्वेश्चन था कि अगर गैस फेज रहेगा उसके एक्टिव मास कैसे लिखते हैं, तो पी डिवाइड बाई आर टी, ये आपको लिखना था एक्टिव मास के लिए। और भी है, और 4-5 पॉइंट है एक्टिव मास के लिए आपको जानना था। मैं आपसे पहले भी जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैक्सिमम मास सेक्शन में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि जस्ट एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन फॉर सॉलिड स्टेट, सॉलिड रिएक्टेंट रहेगा उस केस में वन लेना है, और एक और है गैस एट वन एटमोसफेयर, गैस अगर वन एटमोसफेयर रहेगा तो वहां पे वन लेना है। सो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए, एक्टिव मास ऑफ अगर मुझे NaOH लिखना होगा तो उसको लिखने का प्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ऐसे लिखते हैं एक्टिव मास फॉर ए ऑफ द NaOH, या इसको प्रेजेंट करने के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ द NaOH ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ब्रैकेट बना करके NaOH लिखते हैं, तो ये इसका प्रेजेंटेशन है।
और आपको साइंस में ये थ्योरी जानना है कि अगर सॉलिड ब्रैकेट के अंदर सॉलिड रहा तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है। सॉलिड मीन्स एनी मेटल, कोई भी मेटल है, मान लिया कॉपर मेटल है, तो कॉपर अगर सॉलिड स्टेट ही रहता है तो ये 1 हुआ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जैसे मैं सारा यूज कर चुका हूँ CaCO3, CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड के चिरे चलते एक्टिव मास 1 हुआ आपका। नाउ आप यूज कर सकते हैं कोई भी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड वो पेपर में दिया रहेगा जो हम लोग यूज कर चुके हैं, सॉलिड जैसे सॉलिड स्टेट रहेगा एक्टिव मास 1 रहेगा। और एक और जानना है कि एक और कि गैस एट 1 एटमोसफेयर, अगर गैस का 1 एटमोसफेयर है वहां भी एक्टिव मास 1 आपको यूज करना है। तो जहां 1 होता है वो टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है, आपका सॉलिड के लिए रहेगा, सॉलिड में मेटल रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा पेपर में। और एक और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि गैस एट 1 एटमोसफेयर, इसका भी एक्टिव मास 1 होता है। जैसे अगर लिखा रहेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमोसफेयर, अगर 1 एटमोसफेयर पे रहा हाइड्रोजन गैस तो इसका एक्टिव मास आपको 1 लेना। एनी गैस, एनी हाइड्रोजन ऐसे लिखा रहेगा, क्लोरीन गैस एट 1 एटमोसफेयर एक्टिव मास आपको लेना है 1। ये रिजल्ट एक्टिव मास 1 लेना आप। सॉलिड स्टेट एनी मेटल, मेटल में मर्करी नहीं, मर्करी तो लिक्विड होता है, और एनी गैस एट 1 एटमोसफेयर ये एक्टिव मास 1। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा, सॉलिड का एक्टिव मास 1 एंड गैस एट 1 एटमोसफेयर एक्टिव मास 1 के बराबर होता है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल बना के देख लीजिए कि जैसे मैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 0.4 ग्राम ऑफ NaOH ऐसे NaOH प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन हमें एक्टिव मास ऑफ NaOH चाहिए, ये चाहिए। सिंपल सा एकदम एक्टिव मास हमें NaOH का चाहिए निकालना आपको। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट मोल कॉन्सेप्ट है, हमें छोटा छोटा बातें भी करना है कि लेक्चर 1 में हमें एक एक पॉइंट हम लोगों डिस्कस करना है। सर कितना छोटा सा आपका, देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि एक्टिव मास, अगर किसी का एक्टिव मास निकालना हो सो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया वेट 1000 बाय मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट बी इन अ मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ ऊपर में 1000 है मिलीलीटर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में गिवन देखिए, तो गिवन कितना छोटा, 1 सेकेंड क्वेश्चन है भाई। गिवन वेट, वेट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम NaOH का वेट लिखा हुआ, 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर यूनिट सही है, वॉल्यूम जो है वो है 500 मिलीलीटर। NaOH का हमें मॉलिकुलर वेट, NaOH यही सोल्यूट है, इसका मॉलिकुलर वेट कितना छोटा सा होता है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, और ओवरऑल टोटल आप निकाल लीजिए, सो टोटल हो गया द 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट के साथ, जब भी कुछ चीज लिखे तो यूनिट जरूर लिखे आप। सो ग्राम में, मिलीलीटर में एंड ग्राम पर मोल में, चाहिए आप डाटा पुट कर लीजिए, पुट करिए, 1 सेकेंड का तो आ रहा है आपका। ये बस मुझे सिखाना था कि एक्टिव मास हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। सो वेट है 0.4 इंटू द 1000 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, यहाँ हो गया 40, और वॉल्यूम, वॉल्यूम है 500, सो ऊपर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, NaOH का कंसंट्रेशन ये हुआ 2 हो गया, यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ ऊपर में 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 100 और 0.2 इंटू 10 पे पावर -2, सॉल्व कर लीजिए आपका। मोल पर लीटर लिखना है या मोलरिटी में लिखना है, मोल पर लीटर सॉल्व करिए, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम हुआ, 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, 2 जीरो नीचे, 2 इंटू 10 पे पावर -2, यही तो था एक्टिव मास।
एकदम इजी सा, एकदम आसान सा है। एक तो और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बुक से आपको, एकदम छोटा सा। सिक्सटी फोर ग्राम ऑफ एच आई। सो नाउ छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्टिव, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ एच आई, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ एच आई इन अ 2 लीटर फ्लास्क। कितना छोटा, ये बिलो एवरेज स्कूल के लिए क्वेश्चन, ये सब कंपटीशन में नहीं आता है, बट आपको जानना है कि 2 है, 1 है, 5 है, 0.25, ये ऐसा पूछा गया ये एक्टिव मास। सो आप बताइए, सेम फॉर्मूला, सेम सेम फॉर्मूला। आइए यहाँ पे हम लोगों का सेम फॉर्मूला, बस यहाँ एच आई आ गया, एन ए ओ एच की जगह यहाँ एच आई, ये हो गया एच आई। चलिए देखिए, आपका वेट, वेट गिवन है पेपर में, आपका है 64 ग्राम। वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 लीटर लिखा हुआ, तो या तो आप 2 लीटर यूज कर लें, या फिर आप चेंज करना हो यूनिट 2000 मिलीलीटर यूज कर लें। इस फॉर्म में लेना है तो मिलीलीटर में यूज कर लीजिएगा, लीटर भी छोड़ सकते हैं आपको। और यहाँ पे अगर एच आई, एच आई का मॉलिकुलर वेट देखिए, एटॉमिक वेट आपको पता रहना चाहिए। हाइड्रोजन 1 होता है और आयोडीन होता है 127, एटॉमिक नंबर है 53 और एटॉमिक वेट 127। आयोडीन कई जगह यूज होते रहता है आपको, सो इसका याद रखना है 127। पेपर में दिया नहीं है, देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट कहीं नहीं दिया रहता, वो आप अपना प्रैक्टिस करते हैं, जब क्वेश्चन ढेर सारा बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। आयोडीन होता है 127, एटॉमिक नंबर 53 होता है इसका और 127 है। अब जोड़िएगा तो 128, 128 हो गया ग्राम पर मोल, यूनिट सब में लिखना है, जरूरी है आपको, क्योंकि स्कूल में आता है तो यूनिट पे भी नंबर रहता है, यूनिट नहीं लिखने पे नंबर कट जाता है आपका। अब आप लिखेंगे एच आई, सो वेट है 64 और 1000, और यहाँ है मॉलिकुलर वेट 128 इंटू, यहाँ पे आप 2000 कर लीजिए। सो यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4, 1/4 हटाइएगा तो 0.25, चेक करिए 0.25 मोल पर लीटर, ये है आंसर आपका। ओके, और मैं थ्योरी पर प्रैक्टिस कराता हूँ आपको।